हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें देसी में सीखो चैनल को और दबाए इस बेल आइकन को ताकि वीडियो मिले सबसे पहले आपको। हेलो दोस्तों एंड वेलकम। दोस्तों आप देख रहे हैं देसी में सीखो। दोस्तों आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में वीडियो स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि ये वीडियो नंबर 1 होगी। आगे इस टॉपिक पे और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, बेसिक से लेकर एडवांस तक। जी हाँ, इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी आपसे बात कर चुका था कि मैं फोटोशॉप से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, फोटोशॉप का सीरीज स्टार्ट करूंगा। तो मैं आज से ये सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, ये वीडियो नंबर 1 होगी। आज से रेगुलरली मैं फोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स, जो भी वीडियोस, जो भी कमांड्स होंगे, जो भी ट्रिक्स होंगे, मैं रेगुलरली अपलोड करता जाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इसे लाइक करते हैं या पसंद करते हैं कि नहीं, मुझे वीडियो में कमेंट करके लाइक करके जरूर बताइएगा कि हाँ ये बनाते रहिए, आप कंटिन्यूअस रहिए, क्योंकि हम लोगों को अच्छा लग रहा है या फिर सीखने को कुछ मिल रहा है। तो ये आप लोग पे डिपेंड करता है कि इसे कंटिन्यू देखना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये वीडियो जो होगी फर्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि आप YouTube के लिए या फिर ब्लॉगर के लिए, वेबसाइट वर्डप्रेस के लिए कैसे आप थंबनेल जनरेट कर सकते हैं। इट मीन जैसे कि मेरा वीडियो में आपने देखा होगा कि इस तरह के जो थंबनेल्स बनाते हैं हम लोग, कि एक्चुअली कैसे बना सकते हैं फोटोशॉप में। ठीक है, तो देख सकते हैं आप काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थंबनेल। थंबनेल में एक्चुअली होना क्या चाहिए मालूम है आपको, कि थंबनेल में टेक्स्ट अच्छे से विजिबिलिटी हो जाना चाहिए। टेक्स्ट जो है वो रीड होना चाहिए, एक्चुअली लिखा हुआ क्या है वो। ठीक है, वो पढ़ाना चाहिए, तभी वो थंबनेल गुड होगी, तभी लोगों को समझ में आता है। ठीक है, या अगर टेक्स्ट नहीं है तो इमेज अगर कुछ लगा है तो इमेज कुछ बोलना चाहिए, मतलब इमेज से देख के लगना चाहिए कि इमेज का कहने का मतलब क्या है। तो थंबनेल इस तरह का बनाना चाहिए आपको। ठीक है, तो आज की इस फोटोशॉप के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि थंबनेल को कैसे जनरेट कर बना सकते हैं फोटोशॉप में। चैनल से पहले दोस्तों बता दूं, अभी तक आपने देसी में सीखो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। किस तरह के वीडियोज मैं अक्सर लाता रहता हूं जो आपके लिए इंटरेस्टिंग और यूजफुल होते हैं, तो बिना टाइम वेस्ट के सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली आप करेंगे क्रिएट न्यू। अब क्रिएट न्यू जब करेंगे तो यहाँ पे कुछ साइजेस पूछेंगे आपको, किस साइज का आप बनाना चाहते हैं पेज। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि YouTube के थंबनेल के लिए 1280x720 परफेक्ट। यहाँ से पिक्सल सेलेक्ट करें आप, देन 1280x720 और यहाँ 72 रहने दें आप। ठीक है, अब रही बात ब्लॉगर और वर्डप्रेस की, तो आप 1280 भी वर्क करता है, ऐसा कोई बात नहीं है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। बट कभी कभी 1280 एडजस्ट नहीं होगा तो ब्लॉगर पे आपको जाके साइज चेक करना होगा, वहाँ रेक्टेंगुलर है या फिर स्क्वायर है, वो उस पे डिपेंड करता है। कभी कभी प्रॉब्लम होती है ब्लॉगर में, बट थंबनेल बनाने का तरीका एग्जैक्ट सेम यही है। ठीक है, तो सिंपली आपको साइज यहाँ सेलेक्ट करना है दोनों, देन क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करते ही ये पेज आपका तैयार हो गया। अब इस पेज पर डिज़ाइन क्या करना है आपको, चलिए मैं कुछ आपको हिंट दे दूँ कि आप इस तरह का डिज़ाइन कर लो तो काफ़ी बेहतर लगेगा देखने में। जैसे मेरे पास कुछ एक फोल्डर है, यहाँ पे इमेजेस वगैरह है, कुछ इमेज ले आता हूँ मैं, यहाँ पे कुछ भी इमेज ले आया, बस मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इमेज ला करके यहाँ पे ड्रैग कर दिया, देन इसे इंटर, इमेज को यहाँ पे बीच में रख लेते हैं और यहाँ पे चले जाते हैं हम लोग फिल्टर पे, ब्लर गॉसनेस ब्लर एंड देन इसका ऑपेसिटी को बढ़ा देते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जैक्ट 100 इज़ परफेक्ट। ठीक है, ओके, अब देखिए इमेज की जो क्वालिटी है ना काफ़ी चेंज हो जाती है। अब दूसरा चीज़ हम लोग देखें क्या करें, मतलब बढ़िया बताने के लिए बता रहा हूँ, तरीका एक नहीं है, हज़ार तरीका है। मैं आपको मतलब कुछ हिंट दे रहा हूँ कि इस तरीके से बनाए तो काफ़ी बेहतर बनेगी। हम यहाँ से रेक्टेंगल लेते हैं हम लोग, यहाँ से कुछ यहाँ पे ऐसे रेक्टेंगल बना देते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, क्लोज, रेक्टेंगल बन गया मेरा। अब क्या करते हैं, रेक्टेंगल को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और इसकी जो ऑपेसिटी है ना वो थोड़ी कम कर लेते हैं, यहाँ से ऑपेसिटी में जा करके इसको कर देते हैं 80। ठीक है, और थोड़ी कम कर देते हैं, डन। अब कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं हम लोग, जैसे कि टी लेते हैं यहाँ पे, देन टेक्स्ट को यहाँ प्रेस करते हैं, लिखते हैं हम लोग एडोब फोटो शॉप, डन। अब इसे क्या करते हैं, कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर माउस को ड्रैग करके सेलेक्ट करके इसे कर देते हैं हम लोग वाइट, डन, ये वाइट हो गया। ठीक है, अब इसे कंट्रोल टी करके इसे साइज को बड़ा कर सकते हैं हम लोग, जैसे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना या फिर कंट्रोल टी करें प्रेस कीबोर्ड से, या फिर एडिट में जाकर के आप फ्री ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ना कंट्रोल टी, देन ये ऑप्शन आ गया आपके पास। अब क्या करना है, आपको शिफ्ट और अल्ट दबा कर इसे ड्रैग करके चारों तरफ से एग्जैक्ट बड़ा करना है आपको, कुछ इस तरीके से बड़ी कर लेनी है, डन। अब दूसरा चीज़ देखिए हम ये क्या करते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं एग्जैक्ट आपको फोटोशॉप का जो ट्यूटोरियल, ये फर्स्ट वीडियो जो वीडियो में क्लिक करने से पहले थंबनेल देखा होगा आपने, एग्जैक्ट कुछ उस तरीके से बना के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देन यहाँ पे फोटोशॉप के लोगो ले आए हम कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसे और बड़ी कर लेते हैं हम लोग,
बड़ा करने का दो तीन तरीका है, मैं आपको बता दूं। यहाँ से भी आप बड़ा कर सकते हो, जो देख रहे हैं ना, दोनों W और H बड़ी बड़ी है, तो इस पर क्लिक कर देन यहाँ से जो 100 है ना, इसे 120 करेंगे, चारों तरफ से बड़ी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये दोनों मतलब हाइट वेट दोनों बढ़ रही है, ठीक है। हाँ, यहाँ से कर देते हैं 125, एग्जैक्ट वो बड़ी हो गई, ठीक है। इसे ड्रैग करके ऊपर नीचे कर ले, इंटर। अब इसे क्या करते हैं, इसे नीचे कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले, इसके नीचे, ठीक है। और ये पिंक वाले को थोड़ा नीचे कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब टेक्स्ट को भी थोड़ा नीचे कर लेते हैं हम लोग। ये एडजस्टमेंट आप देखना होगा आपको कि कैसे क्या लिख रहे हैं, किसके ऊपर कौन सा आ रहा है, ओवरलैप तो नहीं हो रहा, ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। देन क्या करते हैं, इस फोटोशॉप का जो लोगो है इसे ड्रैग करके एक और कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के लिए सिंपली आपको कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करना है और इसे माउस से ड्रैग करके खींच लेना है इसे, तो ये बड़ी हो जाएगी, बड़ी नहीं होगी सॉरी, कॉपी हो जाएगी, ये कॉपी हो गई, ठीक है। अभी जो कॉपी हुआ लेयर है इसे जस्ट इस फोटोशॉप के लेयर के नीचे कर देना, आपको नीचे कर दिए। अब अगेन इस पे चले आए फिल्टर पे एंड देन ब्लर पे, गॉसनेस ब्लर पे चले आए, इस चीज़ को भी ब्लर कर देना आपको। यस डन, इतना में सही है, ओके ठीक है। अब इस टेक्स्ट को जस्ट राइट क्लिक करके फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे, ये फोटोशॉप का लेयर सेलेक्ट हो गया, इसे अल्ट दबा के अगेन कॉपी कर ले, कॉपी कर लिया। अब इस यहाँ पे टेक्स्ट को कुछ भी एडिट कर दे आप, जैसे कि मैं वहाँ पे एडिट किया हूँ 001, ठीक है, ऐसे यहाँ से बीच में रख दिया। अब इसका कलर चेंज करना आपको सिंपली टेक्स्ट में जाकर, टेक्स्ट लेयर में रहे इसे ऊपर से जाकर के यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ कर दिया येलो, ओके डन। अब यहाँ पे नीचे इसे कॉपी करना, अगेन आपको अल्ट दबा के कॉपी करना है। अब ये टेक्स्ट देख रहे होंगे आपकी इतना अच्छा विजिबिलिटी के साथ इम्पैक्ट में, ऑलवेज हमेशा हर थंबनेल में गौर किया होगा आपने, मैं इम्पैक्ट फॉन्ट को यूज़ करता हूँ। इम्पैक्ट फॉन्ट काफ़ी अच्छा है विजिबिलिटी के लिए, अच्छे से दिखती है, अच्छे से रीड हो पाती है, ठीक है। तो आप भी अगर ये फॉन्ट को यूज़ करना चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। ये एक्चुअली विंडोज़ में फ्री होती है ये थीम, एक्सपोर्ट कहीं से नहीं करना आपको, इम्पोर्ट कहीं भी नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये कर लूँ ट्यूटोरियल 1, ठीक है, यहाँ ट्यूटोरियल लिख दिया मैंने, डन। और कुछ लिखना चाहिए और भी लिख सकते हैं, तो ये सब जितना मन चाहे उतना टेक्स्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्री। अब क्या है, अब देखिए तीनों लेयर को चाहते हैं तो थोड़ा सा और भी यूनिक और डिफरेंट स्टाइल में लिखा रहे तो काफी बेहतर होगा। अब क्या करें, तीनों लेयर को एक साथ सेलेक्ट कर ले आप, शिफ्ट दबा करके या सेलेक्ट कर सकते हो या फिर कंट्रोल दबा के रखे और तीनों को सेलेक्ट कर ले। मैंने कंट्रोल प्रेस करके रखा और तीनों पे क्लिक किया, सेलेक्ट हो गया ये। अब जब भी ड्रैग करेंगे तीनों एक साथ ड्रैग हो गया है ना। अब क्या करते हैं, कंट्रोल टी करके तीनों को एक साथ बड़ी करते हैं, पहले बराबर चारों तरफ से बड़ी करने के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ, शिफ्ट प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, अल्ट प्रेस करेंगे दोनों साथ में और ड्रैग करेंगे तो चारों तरफ से एक साथ बड़ी होगी, ये बड़ी होगी। अब देखिए क्या करना है, इसको शिफ्ट और कंट्रोल दबाना कीबोर्ड से और माउस को जैसे यहाँ से ड्रैग करके ऊपर करना है। देखिए आप यहाँ से थोड़ा इस स्टाइल में कर देना, ठीक है ना। अब इसकी एक और चीज़ करनी है आपको, ड्रॉप शैडो दे देंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। एफएक्स में चले जाएं, एक एक लेयर में करना होगा, ठीक है, इसलिए पहले अगर कर लेते तो बेटर था, बट एक फ्री वाला लेयर को सेलेक्ट करके देन एफएक्स पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप शैडो को खुला यहाँ पे लग, इस पे ऑटोमेटिक लग गया। अब ड्रॉप शैडो क्या यूज़ हुआ है, 555, ओके ब्लैक है। अब ट्यूटोरियल को सेलेक्ट करें, एफएक्स पे क्लिक करें, ड्रॉप शैडो पे क्लिक करें, सेम जो वैल्यू डाला हुआ वो वैल्यू उस पर भी ले लेगा, ओके। और देना 01 पे क्लिक करें, ड्रॉप शैडो पे क्लिक करें, देन ओके इस पर भी ले लिया। फोटोशॉप पे भी कर दे, काफ़ी बेहतर लगेगा देखने में। एफएक्स पे, ड्रॉप शैडोज पे, ओके। अब देख सकते हैं कि ये थंबनेल को मैं सेव करके दिखाता हूँ आपको। सेव किया मैंने जस्ट डेस्कटॉप पे, JPG सेव, ओके। अब ये JPG में यहाँ पे हमारी सेव हो चुकी है। अब इस इमेज को मैं ओपन करके दिखाता हूँ कि आप खुद भी बताएं कि ये विजिबिलिटी वाला थंबनेल है या नहीं, मतलब कैसी लग रही है थंबनेल, ठीक है। और ये वीडियो में आपने क्या सीखा, क्या प्रॉब्लम हुई, क्या डाउट्स हुई, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और फोटोशॉप के सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहते या नहीं रखना चाहते आप मुझे कमेंट करके बता दें, क्योंकि बहुत सारे बेसिक से टू मच एडवांस तक मैं आपको बताऊँगा। आप लोग अगर सपोर्ट करें मेरा तो ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में लेके किसी तरह को डाउट्स प्रॉब्लम होगी तो बेधड़क कमेंट कर सकते हैं। खैर मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।